हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास का सपोन में। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को हिंदी सब्जेक्ट में इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि इसके बारे में कुछ समझाइए। तो ये है आपका यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है, जो कि है मानक भाषा, अमानक भाषा और उपमानक भाषा को समझाइए और उदाहरण भी दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको पूरे कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, सामान्यतः भाषा का दो रूप होता है, जो कि मानक होता है और अमानक होता है। लेकिन कतिपय विद्वान भाषा में इन दो रूपों के अतिरिक्त एक तीसरा रूप और माना गया है, जो कि है उपमानक भाषा, ठीक है। अब भाषाओं का परिचय यानी कि परिभाषा किस प्रकार है और इसका उदाहरण क्या है, जिससे हम समझ पाएंगे कि कौन सा मानक भाषा है, कौन सा अमानक भाषा है और कौन सा उपमानक भाषा है, तो इसको जानते हैं आइए हम। तो यह है आपका पहला मानक भाषा। तो मानक भाषा में स्थिर व्याकरण समस्त स्तरीय और सर्वमान्य होती है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं रहती है, मानक शब्दावली का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें जो वर्ड है वो बिल्कुल सटीक रहेगा, शब्द जो है बिल्कुल सटीक रहेगा, व्याकरण बिल्कुल सही रहेगा, इस पर कोई भी शब्दों का इधर उधर हमको नहीं दिखेगा। अगर वैसा होता है तो फिर वो दूसरे भाषा में आ जाएगा, मानक भाषा में नहीं रहेगा, ठीक है। तो उदाहरण है, यह सत्य है कि आज हम कृत्रिम और थोथे आदर्शों के बीच आदरपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अपनी परंपरा और आदर्शों को खोकर भी हमें कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो शब्द है इसको देखें, बिल्कुल इसका व्याकरण सम्मत है, स्तरीय है, सर्वमान्य है, और इसी वजह से मैं इसको कहूँगा मानक भाषा। अब देखिए, अमानक भाषा में क्या होगा, इस भाषा में व्याकरण पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें व्याकरणगत अशुद्धियाँ रहती हैं, उनकी शब्दावली में मानक शब्दों के स्थान पर स्थानीय और आंचलिक भाषा का जो हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग कर देते हैं कभी कभी, है ना। तो ये सब चीज़ ये सब अमानक भाषा में कहलाएगा। तो देखिए, आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा, जो जावक का डिब्बा में दरखास्त मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, स्थानीय भाषा का उपयोग हो गया, हिंदी का भी उपयोग हो गया, साथ ही साथ इंग्लिश का भी उपयोग हो गया है, अदरवाइज, है ना। तो ये जो है अमानक भाषा कहलाएगा। फिर इसके बाद है देखिए आपका उपमानक। तो उपमानक वह भाषा है जिसमें आंचलिक शब्द शैलियों का क्षेत्रीय स्तर पर मानक रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है। आंचलिक शब्द और शैलियों का क्षेत्र के स्तर पर उसको रूप प्रदान करते हैं। इन शब्दों के चयन और वाक्यों की रचना में लचीलापन अपनाया जाता है। जैसे कि देखिए, उदाहरण है आपका, जैसे आप लोग अपने गांव से सेवा नहीं करने दीजिएगा, हम चनपट्टी चले जाएंगे, हम अपने गाँव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे, हम लोगों का सब किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा जो तरीका है बात करने का, ठीक है ना, यही सब है उपमानक भाषा, ठीक है। इसका भी उपयोग हम लोग कहीं कहीं करते हैं। तो देखिए, मानक और अमानक प्रयोग के उदाहरण, जैसे आगामी, ठीक है, मानक में आगामी रहेगा, जबकि अमानक में आगामी बोलेंगे उसको, ठीक है। चाहिए तो चाहिए अमानक में, बारात अमानक में बारात, कोटि में देखिए मात्रा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। नीति तो यहाँ पे नीति में मात्रा मिस्टेक है, गृहिणी तो इसमें गृहिणी हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों का उदाहरण दिया गया है, तो मानक अमानक। और यहाँ पे देखिए इसके और उदाहरण हैं यहाँ पे, ठीक है। पूजनीय तो पूज्य या पूजनीय, सौंदर्यता तो सुंदरता भी बोल देते हैं इसको मानक में, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, और चाहो तो इसको और ज़्यादा डिटेल आप कर सकते हो अपने शब्दों में। तो क्वेश्चन जितना हो सके बड़ा दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में अच्छा और सटीक आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट आंसर रहेगा यूनिट 5 के क्वेश्चन का। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कोशिश कीजिए कि पूरे आंसर आप खुद से बनाएं। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।